माशाल्लाह तुम सुनाओ आपने। तो आकर भाई कह रहे थे अहमद भाई और सभा भाभी आज मेरे घर में आप दावत पे क्या बना रखे थे हमारी और जगह पर हम कभी और दावत खा लेंगे। नहीं भाई दाल लेके आया ताकि दावत रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुल इस्तराहाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यार प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरह, आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। क्योंकि घर में जैसे आपको पता है कि पूरे सहन में जो है ना छाँ ही छाँ होती है, ये देखें मुकम्मल छाँ हो गई है। और धूप वगैरह थी नहीं तो मैंने घर का काम जैसे ही मुकम्मल किया तो चली गई समीना भाभी के कमरे की छत पे, क्योंकि वहाँ पर जाकर मैं थोड़ी देर सो गई। इतना मुझे ठंड लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना धूप लगवा लूँ, तो वहीं पर गई और एक डेढ़ घंटा जो है ना वहीं पर बैठी रही धूप पर। और अभी अभी वापस आई हूँ, मैंने कहा कि टाइम जो है ना शाम के खाने पकाने का हो रहा है तो अभी घर चलूँ और जो है ना कहूँ कि कोई चीज़ ले आएंगे तो फिर बनाऊँगी। घर आई तो कमरों को जो है ना कुंडे लगे, लॉक लगे हुए हैं और घर में कोई भी नहीं है, तो जाकर ढूंढती हूँ और उनको कहती हूँ कि कोई चीज़ ले आए बनाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है हमने। और उसके बाद लकड़ी नहीं है बाहर, जो जैसे कख वगैरह पड़े होते हैं वो उठा के मैंने भट्टी की चूल्हे यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बना लेती हूँ। गैस बचा पड़ा है, इस पे जो है ना सालन बना लूँगी, तो इसलिए बर्तन वगैरह धो के मैंने वहाँ पर रख दिए थे। और कल भी कुछ कपड़े मैंने धुलाई किए थे, कुछ बच्चे पड़े थे तो वो मैंने आज धुलाई कर लिए थे। ये देखे मुकम्मल तना जो है ना यहाँ से लेकर वहाँ तक कमरों तक ये मुकम्मल तना जो है ना कपड़ों का भरा हुआ है। और जर्सी जो है ना मैंने अपनी कल धोई थी, अभी तक ये थोड़ी थोड़ी सी गीली है क्योंकि ये अभी पहनने की नहीं है। ये सेट तो मुकम्मल गीली है, ये वाली सेट, और ये वाली सेट जो है ना सेंटर वाली ये थोड़ी खुश्क है। तो मैंने कहा कि ये तो वैसे ही अभी गीली खड़ी है, इसको रात को कमरे के अंदर खड़ा दूँगी, तो क्यों ना ये मोस्फिरा की जर्सी लेकर आई हूँ, ये खुश्क हुई पड़ी है। मैंने कहा कि अभी यही पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगती है, तो वो लुकार जो है ना वो पहन लेगी, तो ये जर्सी जो है ना मैं पहन लूँगी तो गुजारा चल जाएगा। कल इंशाल्लाह कल तक जो है ना ये खुश्क हो जाएगी, फिर मैं अपने वाली पहन लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मिसाले वगैरह जो है वो मैंने काट ली है, टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्चें और साथ में धनिया, और इसमें धनिए के पीछे जो है ना लहसुन और अदरक, ये चीज़ें जो है ना मैंने बना ली है। अब इसको रखती हूँ और चलती हूँ, पानी वगैरह भर के आती हूँ और बर्तन वगैरह इकट्ठे करती हूँ और बनाती हूँ। आज हम बना रहे हैं दाल की रेसिपी, क्योंकि मैंने कहा कि आज दाल ले आए वही बना लेंगे, काफ़ी दिन हो गए तो हमने दाल नहीं बनाई। तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, सिर्फ आपके भाई हैं जो बस गुजारा ही करते हैं, सिर्फ शाम को सुबह को तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो वो चाय के साथ ही खा लेंगे। काफ़ी बच्चा देते हैं, अच्छा ज़्यादा हो जाता है ना, सही है ना, थोड़ा सा शाम को सालन मिल जाए खा लिया, सुबह जो है फिर चाय के साथ गुजारा कर लिया, गुजारा ही करना होता है महंगाई के दौर में। सही है, अच्छी बात है, एक पात दाल का लें उसको बनाए फिर खा जाए, सही तो है ना, गुजारा हो जाता है ना, भूखा तो इंसान नहीं बैठता ना, बस टाइम पास ही करना होता है, हमारा वक्त जो है ना वो गुजर जाता है, फिर अगले दिन जो है ना फिर कोई और चीज सोचते हैं। आप कैमरा कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ा करो, सीधा हूँ मैं, सीधा तो है, देखें कैसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, बस जैसे मुझे आता है वैसे पकड़ती हूँ। चले आप तो ऐसे बातें करते रहोगे, लेकिन मैं जो है ना पानी वगैरह ले आऊँ और ले बाकी मर्चे नमक सब चीजें जो है ना चीजें इकट्ठी करो, अपनी रेसिपी बनाओ, बहन भाइयों के साथ शेयर करो। हाँ जी, और क्योंकि फिर ठंड हो जाती है ना, फिर बच्चे भी ठंड में बैठने मुश्किल होती है, खुद को भी बैठना मुश्किल होता है। पता है आज सुबह से ना मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ है? मेरे ना ये पीछे गर्दन में दर्द है और जो है ना ये ठंड की वजह से टांगों में दर्द है, मैं ना इसलिए भाग गई थी समीना भाभी के कमरों की छत पे, वहीं पर मैं सोई पड़ी रही चटाई बिछा के ना, मुझे तो पता नहीं है किस टाइम गई हो। मैं जब कपड़े धुलाई करके फौरी चली गई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी काफी ज्यादा, यहाँ तो सारी की सारी छांव थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी,
तो इसलिए सारा मसला जो है ना ठंड का है और कोई तो मैंने कहा कि भाग के जाऊं कहीं धूप ढूंढूं। फिर वहीं गई तो समीना भाभी भी पड़ी वहां बैठी थी वो चटाई बिछा के, तो उसके साथ जाके सो गई। फिर पड़ी रही तकरीबन एक दो घंटे मैं वहां पर धूप पे पड़ी रही। फिर वो भी वहां पर छा रही थी तो मैंने कहा अब घर चलती हूँ क्योंकि घर का शाम का खाना वगैरह जो है ना वो बनाना है। फिर मैं वापस आ गई और जर्सी अभी तक भी मेरी गीली है, सूखी नहीं। छांव पे कब सूखती है? चौक कितने टाइम इधर धूप आती है? हाँ। आधे घंटा 15 मिनट उसमें जर्सियां थोड़ी सूख जाती हैं। फिर ये मोस्फिरा की सूखी पड़ी थी तो मैंने यही पहन ली। कहा था ये जो कपड़े होते हैं ना मोटे जो नहीं सूखते उनको कहीं ऊपर टांगा करो धूप पे। ऊपर कहाँ जाए, उधर पर्दे वर्दे पे डाल के आ गया तो यही पर मैंने डाल दिया था। मैंने कहा सूख जाएंगे, मैंने कहा कल नहीं सूखेंगे तो आज सूख जाएंगे, लेकिन आज भी नहीं सूखे, खुश्क नहीं। इस डर की वजह से तो हम अपना कोट नहीं धोते आप नहीं सूखेगा नहीं तो फिर काफी ये मसला बनता है। अभी मैंने हाथ लगाया तो ये गीली थी। 3 दिन हो गए इसको। नहीं नहीं ये जगह गीली है, ये वाली ये देखे। अभी शाम को जो है ना कमरे के अंदर मैंने कहा इसको खड़ा दूंगी, सुबह तक जो है ना खुश्क हो जाएगी। तो अभी मैं भी चलती हूँ, वहां पर मैंने बर्तन रखे हुए हैं इस जगह पे, तो यहाँ से बर्तन उठा लूं। सबसे पहले जो है ना ये बाल्टी उठाऊंगी क्योंकि इसमें जो है ना मैंने पानी भरना है, और उसके बाद कढ़ाई वगैरह वो तो बाद में लेकर चली जाऊंगी। पहले मैंने कहा कि पानी भर लूं और इसको ना इसके अंदर थोड़ी केरी वगैरह है धो के, फिर जो है ना ये पानी जा रहा है लेकिन है काफी ठंडा। 5 मिनट भी नहीं गुजरते पानी भर के टैंकी में छोड़ते हैं फिर जो है ना ठंडा हो जाता है, गर्म पानी होता नहीं। सूरज आता है सामने बिल्कुल। हाँ जी सारा दिन धूप होती है, गर्मियों में धूप होती है, सर्दियों में अभी जो है ना हमें सर्दियां बहुत जोर की लग रही है। चलें वक्त है गुजर जाएगा एक न एक दिन, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर ही हमारा यही मसला होगा कि गर्मी है कमरे जो है ना काफ़ी नीचे हैं बंद हो जाते हैं, वहाँ पर जो है ना बच्चों के ब्लड लो हो जाते हैं फिर हम जो है ना गर्मियों में भी परेशान होते हैं और सर्दियों में भी परेशान होते हैं। कोई बात नहीं है, जैसे अल्लाह को मंजूर है वैसे ही होना। हाँ अल्लाह को जैसे मंजूर वैसे ही होगा क्योंकि गुजारना तो है ना घर में। तो ये आ गया मेरा पानी और कढ़ाई जैसे मैंने आपको दिखाया था वो उधर रखी है, अभी वो लेकर आती हूँ। कढ़ाई और उसका चमचा और उसके बाद जो है ना उसका कढ़ाई का ढकना, ये आ गई कढ़ाई और ये है उसका ढकना और ये है चम्मच, और उसके बाद एक गिलास भी मुझे चाहिए होगा क्योंकि गिलास से पानी के अंदर गिलास पड़ाऊंगी। ये मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर डाल दूं ऐसे करके फिर ले जाऊंगी, और बाकी तो वैसे ही यहीं पर सामान रखा है, नमक मिर्चें घी वगैरह ये टोटल सामान यहीं पर रखा है। बस चूल्हे को जो है ना थोड़ा सीधा कर लूँगी और सिलेंडर यहीं पर रख दूँगी, इसका पाइप जो है ना थोड़ा नीचे कर दूँ क्योंकि ये जो है ना फिर बच्चे आते जाते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे अपने पाँव में फंसाए और इसको तोड़ दे। और ये आ गए मेरे मिसाले, और उसके बाद घी वाली बाल्टी कहाँ रखी है, हाँ वो रखी है, वो भी उठाती हूँ तो फिर शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी कढ़ाई में घी मैंने डाल दिया है और अब लग रहा है कि घी जो है ना हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें हम मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह घी जो है ना गर्म हो चुका है तो अभी इसको मसाले की भुनाई करते हैं। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की जो है ना सिलाई करके रख दिया, अभी इसको भी कुटाई करना है और वो भी इसमें डालूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं मूंगी मसूरी वाली दाल, तो ये लहसुन अदरक अगर डालें तो दाल में बहुत ज़्यादा खुशबू और मज़ेदार बनती है दाल, तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। और ऊपर से सूखा धनिया भी रखा है, मैंने कहा कुछ सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी और इसके अंदर दाल में जो है ना कुछ
सूखा धनिया भी डाल दूंगी, क्योंकि सूखे धनिया की खुशबू जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें दाल मसने की लगती है। तो अभी मसाला बुनाई कर रही हूँ, जैसे ये मसाला हमारा बुनाई होगा तो फिर इसमें पानी डाल दूंगी दाल। यार हमारा अब बारी आती है मच्छी ऐड करने की, क्योंकि सबज मछली जो है ना आज मैंने काफ़ी सारी काट ली है, तो अभी इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मछली ऐड कर दी है और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूंगी, एक चम्मच जो है ना मैंने हल्दी का डाल दिया है। अभी इसको ये देखिए, अभी नीचे जो है ना मिट्टी हमारी चपक रही है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी लगा देंगे, क्योंकि पानी लगाएंगे तो ये चपकेगी नहीं। तो अभी देखे कैसे धुएँ निकाल दिए, नीचे जल रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। और मसाला जो है ना ये देखिए हमारा ऐसा ऐसा तैयार हो रहा है, और जैसे ही मसाला हमारा तैयार होगा तो फिर अभी लहसुन अदरक भी कुटाई करनी है, वो जो है ना कूटने वाली लेकर आती है तो फिर इसको कुटाई कर दे। पर मैंने कहा कि ये कूटने वाली को धो लूँ, वैसे रखी हुई थी तो मक्खी ऊपर आ जाती है, इसको धो के फिर लहसुन अदरक जो है ना वो कुटाई करूँगी। बारी है बहुत ज़्यादा वजनी है, एक साथ में भी नहीं उठाई जाती, इतना इसमें ना जोर लगता है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब बारी आती है ये लहसुन अदरक की कुटाई करते हैं। नीचे गिर गई, अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से, फिर थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है, मैंने कहा इसको भी कूट लूँगी। और ये जो है ना ऐसे साबुत डालें तो इसकी खुशबू जो है ना कम आती है, जैसे इसको कूट के डालें तो खुशबू जो है ना काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने इसको ये इसमें डाल दिया है, मैंने कहा कि इसको भी कूट लूँगी साथ के साथ। और यहाँ पर मसाला मेरा जो है ना पकड़ा, इसको चम्मच नहीं लगाया था तो इसलिए चपक रहा था। तो मसाला आप जैसे ये कुटाई करूँगी तो इसको उसमें डालूँगी तो फिर देखना मसाले की कंडीशन जो है ना बहुत अच्छी बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है, माशाल्लाह अभी जैसे ही मैंने डाला है तो खुशबू इतनी आ रही है, बहुत ही मज़े की ये देखिए। और मसाला भी मेरा बुनाई हो चुका है तो अभी बारी आती है इसमें दाल डालने की। माशाल्लाह दाल के अंदर जो है ना मैंने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से धो लूँ, जैसे ये धुलाई हो जाएगी तो फिर मसाले में जो है ना मैं डाल दूँगा। तो अभी इसको मैंने धो लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम, क्या क्या कहा भाई आपने? तो अक्षरा भाई कह रहे थे अहमद भाई और सभा भाभी आज मेरे घर में आप खाना खाना, बेशक आधी रोटी खा ले। तो हम लोग देख रहे आए थे कि दावत में क्या बना रहे हैं। देखने आए तो देख लो आज दाल। वो हम असल में पता तो चल गया था, हम असल में देखने नहीं आए, वो ना हम कह रहे थे हमारी और जगह दावत है। चले माशाल्लाह, आप खा लो पका लो, हम कभी और दावत खा लेंगे। सही है, अल्लाह मुबारक करे आपको। दाल आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं नहीं अच्छी लगती है, पर दावत पे आए हैं ये दाल तो घर दाल सही होती है, इसलिए तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा भाई और भाभी को भी अच्छी लगेगी तो इसलिए आपको दावत दिया। रात में मंगवाई थी, जो चीज रोज खाए ना मतलब तो बता देते ना, हमने दाल नहीं खानी तो हम कोई और चीज बना लेते। बस सर नहीं भाई, दाल लेके आया तब भी दावत दी है ना। वो भी समझदार है, चले भाई को ना बताना कि हमने कैंसिल की है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं कह दूंगी कि वो दाल को देख के चले गए। नहीं सारा का रखल नहीं मारेगा, वो ठीक कहा है। सही है, ऐसे सब आप चुप करके खा जाना। मेरी बात सुनो,
ऐसे ऐसे समझ लो हम आए नहीं है, ठीक है, उसके बाद ना हम जा रहे हैं, हम ना आएंगे नहीं दोबारा। वो आप कहेंगे ना दावत के लिए बुलाओ, तो आपने कहना है चलो आप खुद बुलाओ। जब वो मुझे बुलाने आएगा ना, तब मैं उसके साथ करूँगा जो करूँगा। दाल में जो है ना पानी मैंने डाल दिया है, ये देखें अभी उबल रही है। तो यहाँ पर प्लेट में खा रही हूँ पकोड़े, क्योंकि पकोड़े जो है ना जो अच्छे थे वो बच्चे ने और मैंने खा लिए। और ये इसके अंदर जो है ना कुछ साफ साफ सही सही जो पकोड़े है ना वो खा रही हूँ। और जिस बहन भाई ने मेरे साथ ये जले हुए पकौड़े खाने हैं तो आज मतलब जले वाले नहीं है, जैसे कि वो छोटे मैदे की जो होती है ना गिरता है मैदा कढ़ाई में, तो वो कुछ कचौर जैसे बन जाती है ऐसे बन गए थे, लेकिन हैं बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार। तो मैं खा रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह जी दाल जो है ना मेरी तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसको नीचे उतार दिया है चूल्हे से और इसको मंदना लगा रही हूँ। और जैसे ही ये लगाऊंगी तो फिर इसके ऊपर जो है ना ये सब्ज धनिया रखा हुआ है ये काट के ऊपर डाल दूंगी, तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना हम बारी आएगी रोटी बनाने की, तो फिर वो भट्टी रखी है बाहर से, हम वो जो है ना पकाने के पत्ते वगैरह वो ले आएंगे, तो यहाँ पर रख के फिर हम रोटियाँ बना लेंगे, क्योंकि रोटियों से बनाते हुए टाइम भी नहीं लगता। जितना आटा होता है उसके सारे के सारे पेड़े बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है ना ये आग जला के फिर रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। फिर एक बंदा जो है ना वो आग जलाता रहता है और दूसरा जो है ना वो रोटियां बनाता रहता है, तो जल्दी से रोटी बन जाती है। मंदना जो है दाल को लगा लिया है, तो फिर मैंने कहा ऊपर से सबज धनिया काट के डाल दूं और फिर इसको दाल के अंदर मिक्स कर दूं, क्योंकि ये गरम गरम है ना तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही दाल ठंडी हो जाएगी तो फिर ये मिक्स नहीं होता। तो अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया है और ऊपर से जो है ना ये ढकना देके बंद कर देती हूँ, और ये सामान वगैरह जो है ना बाकी के बर्तन वगैरह सारे के सारे क्लोज करती हूँ, और ये चूल्हा जो है ना उस जगह पे रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने वो कचरा वगैरह रखना है और रोटियाँ बनानी है, तो इसलिए ये जगह जो है ना ये खाली कर दूँगी। फिर बर्तन यहाँ से उठा लूँगी तो फिर जगह खाली हो जाएगी, फिर बाद में जो है ना सुकून से बैठ के हम रोटियाँ बना। ये पैसे ले लो, और ये जो है ना आ चुके हैं, और यहाँ पर पेड़े भी सारे के सारे बन चुके हैं, तो अभी हम आग जलाते हैं और रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं, और देखते हैं कि कितनी देर में जो है हमारी रोटी जो है ना ये भट्टी के ऊपर बन जाती है, क्योंकि तीन रोटियाँ जो है ना इसके ऊपर आती हैं। तो जैसे हम तवे के ऊपर एक रोटी डालते हैं और उतनी देर तक जो है ना एक ही बनती रहती है, लेकिन इसमें जो है ना तीन रोटियां बनती हैं और जल्दी से रोटी बन जाती है। ये तकरीबन जितने भी रखे हैं एक दो फेर होंगे ये हमारी रोटी बन जाएगी, और आग जलाने वाली हूँ मैं, तो अभी बिस्मिल्लाह करती हूँ और इसमें भट्टी में आग जलाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए भट्टी के नीचे आग जो है ना वो जल चुकी है, और तीन तीन रोटियाँ भी ऊपर पड़ी हैं इसके, तो माशाल्लाह दो तीन रोटियां हमने बना भी ली है और दो तीन ऊपर तीन रोटियां ऊपर पड़ी हैं, और यहाँ पर मैं जो है ना आग जला रही हूँ और मोसफेरा जो है ना रोटियां बना बना के ऊपर डाल रही है। ये देखें अभी दो, एक वो पड़ी है और एक ये, और ये वाली जगह जो है ना इस पर एक रोटी और डाल देगी। तो यहाँ से मैं ऐसे ही ये खींचती हूँ और इसके अंदर जला देती हूँ, तो हाँ ये जो है ना फिर आग जलना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह मजे की, ये खत्म हो जाती हाँ। है, फिर ये बनती भी नहीं है, फिर ये थोड़े से डालो फिर। हाँ ये थोड़े थोड़े से डालो और आग जलती रहती है, मतलब आग जलाने वाला कोई हो तो फिर जल्दी से रोटियां बन जाती हैं, क्योंकि आग बुझानी नहीं चाहिए, आग जैसे ही जलती रहती है तो रोटियाँ भी जल्दी बन जाती है। माशाल्लाह जी जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने कहा कि अभी अभी हम रोटियां जो है ना वो शुरू कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह ये देखिए पेड़े जितने भी बने रखे थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ लास्ट रोटी है जो ऊपर आने वाली है, बाकी सारी की सारी रोटियां जो है ना वो बन चुकी हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इस पे जो है ना रोटियों पे टाइम नहीं लगता बनते हुए, अम्मी जल्दी बन जाए। हाँ तो अब बन भी गई हैं, अभी
सिर्फ एक रोटी की जगह रहती है, वहाँ पर जो है ना मौसफीरा रोटी उठाई बैठी है, वो डालेगी तो रोटियाँ हमारी जो है ना वो बन जाए। ये देखें जी, बाकी सारी की सारी रोटियां बन चुकी हैं। ये हाजरा ने रोटी बनाई है अपनी, और अभी हम इसको पका रहे हैं कि लास्ट हाजरा की रोटी पक जाए तो फिर हम रोटियां लेके चले जाएंगे, क्योंकि अंधेरा यहाँ काफी हो चुका है। यहाँ पर बल्ब वगैरह है नहीं, तो बल्ब जो है ना वहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है ना हम ये रोटियां मुकम्मल करें और लेकर जाए कमरे के अंदर, क्योंकि अभी हमने जगह वगैरह नहीं बनाई, चारपाई बाहर पड़ी है वो भी कमरे के अंदर डालनी होती है। तो फिर मैंने कहा कि जाकर फिर बल्ब की रोशनी पर बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे। कैसे हाजरा, ये रोटी आपने बनाई है ना? हाँ जी हाँ जी, ये हाजरा अम्मी, वो हम दवा छुट्टियाँ फिर सुबह चले। हाँ, हाजरा की जो छुट्टियाँ थी तो वो खत्म होने वाली है, सिर्फ कल जो है ना हफ्ता है, एतवार वाले दिन वैसे भी छुट्टी है, सोमवार जो है ना ये हाजरा स्कूल जाएगी। ऐसे हाजरा? हाँ जी हाँ जी। तो अभी वीडियो भी यहीं पर हमारी मुकम्मल होती है, तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।